very congratulations for the very good opening with 1.2. Okay, so basically today is a big day for you and there are very much expectations from you since the first season was very much here. So tell us about your role and tell us how much excited you are for this season. Yeah, I'm very happy and my producer ma'am is here right now. Please come, please come, please come, please come. You are here. She's the producer of the show. by chance and fortunately she is here. And she is, and her husband is very sweet and very humble. And we are fortunate that we are working with them, these kind of people. And I am not at all part of previous Kaal Bhairav show. But I'm very happy that I'm the part of this Kaal Bhairav part 2. And yeah, I'm looking forward. Ma'am, since pehla season jo tha wo kaafi hit gaya hai, to logon ki expectation apne aap raise ho jati hai jab season 2 aata hai. Yes, yes. Itni tagdi preparation chal rahi hai is season ko hit karne ke liye. Everybody, I must say, is working really, really hard. Or nobody, I mean, it is all a very difficult. Soul and heart to yeah, it. Yeah. Yes. I must yeah. say that it is a very physical kind of show. And nobody I have seen complains, so cooperative, and we are lucky actually. Because our producers like that only. we are so fortunate. Yeah. Season 1 twist and turns ke saath mein bhara hua tha, season 2 mein kitne twist chale. So many, lots and lots are there. Just wait and watch. Yeah. Yeah. Lastly, audience se kya kehna chahenge aap apne show ke liye? Just stick to that. और जितना आपको काल भैरव पार्ट 1 में मिला था उससे ज़्यादा आपको काल भैरव पार्ट 2 में मिलेगा और हम इसी प्रॉमिस के साथ में आ रहे हैं आप लोगों के सामने और आप लोगों ने हमें जिस तरह से वेलकम किया है उसी तरह से हम लोग को प्यार दीजिए उसी तरह से अपना सपोर्ट दीजिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जिस तरह से अभी तक हमने आपको सर्व किया है उससे ज़्यादा हम आपको सर्व कर पाए थैंक यू सो मच Especially because 1.2 की रेटिंग TRP रेटिंग से opening मिली है आपके शो को क्या कहना चाहेंगे कितने excited हैं आगे के लिए यार decent हाँ डिसेंट ओपनिंग है यार आगे बहुत पड़ाव हैं अभी तो ये तो पहला हफ्ता है इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी बहुत लंबा सफ़र है तो धीरे धीरे करके अब डिपेंड करता है पहले चार हफ्तों में अगर अच्छा रहा और बढ़ते रहे तब खुश होने की बात होगी ज़्यादा अभी तो डेफिनेटली अच्छा हुआ है डिसेंट ओपनिंग आई है तो अब आगे के लिए देखते हैं क्या होता है अरे एवरी डे आई थिंक आई वॉच ऑल इज एपिसोड्स ट्वाइस बिकॉज रिकॉर्ड पे रहता है तो एवरी एपिसोड वी वॉच एटलीस्ट ट्वाइस एटलीस्ट द बिगिनिंग एपिसोड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट या आई थिंक आई हैव बीन फॉलोइंग इट एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग इट मुझे तो अच्छा लग रहा है दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग हिम ऑल्सो आई थिंक इवन इन द एपिसोड दैट ही वाजंट देयर इट्स स्टिल लाइक यू वांट टू वॉच द शो सो आई थिंक इट्स गुड सिंस इट इज सीजन 2 यार हम लोग तो कहानी फॉलो कर रहे हैं जैसा कहानी होता है सब मेहनत करते हैं हम भी मेहनत कर रहे हैं मतलब कुछ अलग से कोई वर्जिश नहीं चल रही यहाँ पे बट स्टोरी अच्छी है कहानी अच्छी है कहानी डिफरेंट है तो अच्छा बैलेंस है एक हल्का सुपरस्टिशन के अंदर और एक अच्छा उसको सुपरस्टिशन को काटने के अंदर एक अच्छा बैलेंस चल रहा है तो उस तरीके से चल रही है कहानी यार एक शो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है कि ये सुपरस्टिशन इट निगेट्स इट कि आप दिखा भी रहे हैं और साथ में उसको काट भी रहे हैं तो उस तरीके से डिफरेंट हो जाता है ये शो और मुझसे अगर पूछे तो मैं बिलीव नहीं करता सुपरस्टिशंस में तो अगर मेरा टेक पूछे तो नहीं करता okay, finally, लास्टली, यार अगर शो अच्छा लग रहा है तो बने रहिए प्लीज़ और देखते रहिए और TRP थोड़ी और अच्छी ओपनिंग मिली है शो को कितना अच्छा फील करी और आज आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग आई थिंक
इतनी मेहनत के बाद आई थिंक वन डे ऑफ एंड अ पार्टी इज अमेजिंग. आई थिंक सारे क्रू मेंबर्स एंड एवरीबडी इज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड एक्साइटेड कि इतनी मेहनत का यू नो अ गुड रिजल्ट हैज कम. सो आई थिंक वी ऑल आर हैप्पी. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग मच बट आई थिंक वी गॉट अ ग्रेट ओपनिंग एंड आई थिंक एवरीथिंग इज ग्रेट. अभी भी आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा है कि इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं. फर्स्ट जो मूवी होती है उसके बाद जो सेकंड यू नो उसका सेकंड वर्जन होता है. आई थिंक इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट ऑन द सेकंड पार्ट जो बनता है उसका मेकर्स के ऊपर बहुत डिफिकल्टी होती है. आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रेशर बट आई थिंक वी ऑल हैव डेल्ट विद दैट काइंड ऑफ प्रेशर इन दिस इंडस्ट्री एंड आई थिंक द मेकर्स नो इट what they basically want to show, what they basically want to throw on the audience. So I think they know the points, so I think it's working. Okay, Shishti, the show is all my about... My name is Aditi, by the way. On show also, my name is Archana. Okay. So the thing is, the show is all about supernatural things. So how much do you believe in real life on the supernatural thing? Supernatural thing, obviously you don't believe, you don't end up believing it. But my character as, you know, Archana is exactly how I am as Aditi. Like, she's bubbly, she's all over the place, so she's like that. Okay. Lastly, you would like to know, what would you like to say to your fan about yourself? I think for people who have not seen ki ye kaisa show hai, I think they would enjoy the whole part and I think they'll enjoy the mystery quotient. अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई करिए अगर आपको मिस्ट्री अच्छी लगती है तो. एंड फॉर द पीपल हु हैव सीन एंड गिवन अस द लव थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सिंस ये सीजन टू है तो सीजन वन जो था वो काफ़ी हिट रहा है अपने आप में. तो जब सीजन टू आया है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपने आप ऊपर बढ़ गई है. तो कितनी मेहनत चालू है आप लोगों की ताकि आप लोग जो है लोगों के एक्सपेक्टेशंस हिट करें. So it's a teamwork and of course hamari team bahut strong hai and everyone is working so very hard so we just can expect a good wish and a good luck. The show is all about superstitions, you know. Yeah. So aap personally kitna believe karte hain? It's not about superstitions, it's a thrill and it's about suspense. So it's the treatment is such but it's not and ha superstition mein main hu thoda sa believe karti hu jaise numbers hai ya thoda sa jo ki it's not you can't say actually ke it's superstition but it's like ki aapne kya face kiya hai ya aapne kya experience kiya hai us cheez ko leke so that's what I believe in nothing else. Okay. Lastly apne audience ko kya kehna chahenge show ke liye? Dekhte rahiye hit kariye एंड नंबर वन बनाइए एंड कीप लविंग अस. थैंक यू सो मच. सा अकेले नहीं करो सर बार ये लो. सो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर काल भैरव. यस एंड यू बोथ हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी व्हिच हैव टोल्ड सपोर्ट. व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट दैट? जस्ट वांट टू विश रविंद्र गौतम हु इज प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ द शो ऑल द वेरी बेस्ट. He's a wonderful guy. He makes wonderful shows. He does wonderful work. And yeah, they're family to us, so we had to be here. Okay. Personally, kitna follow karte hain show ko aap log agar baat hai? Well, hum ye to I think for anybody who's doing television and who's doing a running show doesn't have time for anything. I have not seen this show to be honest, but I've heard it's doing really well. It's already 10 days it's on air, so I'm gonna watch it. विश देम ऑल द बेस्ट. आई होप इट रन्स फॉर एवर एंड एवर. छः आठ महीने वाला काम ना रहे और छः सात साल चले. ऑल द बेस्ट टू द टीम. द कॉन्सेप्ट इज रियली नाइस एंड आई थिंक इट्स गोना डू रियली वेल एंड ऐसे ही शोज आजकल आर डूइंग रियली वेल आई थिंक. सो या एवरीथिंग इज गुड अबाउट इट. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. आई होप इट वर्क्स. बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती सुपरस्टिशंस. नहीं बट सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव करता हूँ मैं. मुझे लगता है कि हमारे आसपास गुड एंड बैड एंजल्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें सपोर्ट करते हैं या पीछे हटाते हैं. सो आई डू बिलीव इन इट. सो आई होप इट्स समवेयर क्लोज. फर्स्टली कांग्रेचुलेशन फॉर द वेरी गुड बिगनिंग ऑफ दिस शो. सो टुडे इज़
biggest, yeah, yeah. It's a big achievement for you. So what's your feeling and what would you like? I'm very happy because, you know, ek hota na ki aap kuch start kar le to acha na. There is so many characters, okay. और ये स्टोरी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बोल सकता हूँ मैं, तो उसमें आपको उस ठहराव के साथ हर पॉइंट पे आपको दर्शकों को एक शॉक देना है. तो हम लोग कहीं जाके अभी मुझे लगता है जो ओपनिंग हमें मिली है मैं भी हम लोग मतलब उस अचीव कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं. और अभी पूरी टीम जो है दे ऑल गुड एक्टर्स, वेरी गुड टीम वर्क, तो वो उसकी अभी पार्टी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं. सच कहूँ तो 1.2 का जो आपका TRP आ जाता है तो यू नो हम लोग उसमें खरे उतरे हैं. बस हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कहीं भी निराश ना करें. हमारी हर एपिसोड में वो कोशिश हो रही है. बस हमारी ये रिक्वेस्ट है दर्शकों से, क्योंकि आपके प्यार से हम लोग चल रहे हैं, बिना आपके आशीर्वाद के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ये हर एपिसोड को आप देखते रहिएगा, मिस मत कीजिएगा. और एक चैलेंज हम देते हैं कि जितने कैरेक्टर्स हैं आपको शक सब पे जाएगा. मैं काशीनाथ हूँ, देखते रहना काल भैरव रहस्य. आपने हमें बहुत प्यार दिया, मुझे आपने महादेव में देखा नंदी के तौर पे, बहुत सारे सीरियल में देखा, काल भैरव में आपका प्यार आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है. बस यही प्यार मुझे चाहिए क्योंकि आपके वजह से मैं हूँ, अदरवाइज मैं कुछ नहीं. लव यू ऑल, थैंक यू. थैंक यू सो मच. बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, हमने बहुत मेहनत की है और जिस हिसाब से इनका फर्स्ट सीजन इतना हिट गया है तो हमें पूरी उम्मीद थी कि पूरा ये भी उससे भी डबल ट्रिपल हिट जाने वाला है. तो बिल्कुल एक्सपेक्ट तो किया था. बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं. मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हम अपने व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने वाले हैं. इसमें तो और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे. बहुत 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 इसमें मसाला है. एक के बाद एक आपको परतें खुलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब आप मतलब जो भी देखेगा वो उसको रहेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, कौन कल्प्रेट है, क्या होने वाला है, क्या ये ऐसा ये सच है या ये सिर्फ कोई खेल खेल रहा है. तो मैं अपने फैन से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये शो, आपने फर्स्ट सीज़न आपकी वजह से बहुत हिट गया है, तो प्लीज़ हमारे सेकंड सीज़न को भी बहुत 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 हिट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.